अभी आप लोग ने बहुत सारी शादियाँ देखी होंगे, लेकिन आज की वीडियो में आप लोग को जो अनोखी शादी दिखाने वाले हैं उसको देखकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे 2 फुट की दुल्हन है और यहाँ पे 5 फुट के दूल्हे हैं। कब प्यार हुआ और कैसे प्यार हुआ? इनसे प्यार हुआ सोशल मीडिया के जरिए। आपको पहले पता चला था जब आप प्यार किए थे तो आपको पता चला कि इनका हाइट 2 फीट है? जी मालूम था सब। फिर आप 5 फुट के हैं तो आपका भी दुल्हन कुछ अच्छा मिलता है, संतुष्ट है इनसे? जी बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत खुश हैं शादी करके। हाइट दिखाए तो 2 फीट है, बहुत समस्या होगा। फिर इससे क्या कैसे काम वो होता होगा? इनसे काम तो नहीं होता है, सब हम ही को करना पड़ता है, जैसे बाथरूम वाथरूम ले जाना, बैठाना उठाना, खाना वाना देना, ये अपने हाथ से खा लेती है खाना। क्या नाम हुआ आपका? सबर परवीन। आपका शादी कब हुआ है? 2022 16 अगस्त को। 2022 में आपका शादी हुआ? जी। 2 साल आपका शादी हुआ हो? होने जा रहा है जी। अभी देखा जाए तो आप शादी किए हैं इनसे, तो 2 फीट के दुल्हन है, आप कैसे शादी कर लिया इनसे? इनसे प्यार हो गया था। प्यार हो गया था जी। कब प्यार हुआ और कैसे प्यार हुआ? इनसे प्यार हुआ सोशल मीडिया के जरिए। सोशल मीडिया से। आपको पहले पता चला था जब आप प्यार किए थे तो आपको पता चला कि इनका हाइट 2 फीट है? जी मालूम था सब। फिर आप 5 फुट के हैं तो आपका भी दुल्हन कुछ अच्छा मिलता है, लेकिन इतना कम उम्र, आप इनसे संतुष्ट हैं? इनसे जी बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत खुश हैं शादी करके। जी अभी इनका उम्र दिखाए, हाइट दिखाए तो 2 फीट है, बहुत समस्या होगा होता होगा। फिर इससे क्या कैसे काम वो होता होगा? इनसे काम तो नहीं होता है, सब हम ही को करना पड़ता है, जैसे बाथरूम वाथरूम ले जाना, बैठाना उठाना, खाना वाना देना, ये अपने हाथ से खा लेती है खाना। के जो भी काम होता है खुद से हम कर लेते हैं, लेकिन जो चलने का, लाने का, उठाने का जो भी काम हो वो हम नहीं कर पाते, ये कर लेते हैं। ये करते हैं जी। तभी अब शादी करके अपने ससुराल भी आ गए हैं जी। तो यहाँ के जो भी इनके माता पिता हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं आपको? हाँ फिलहाल तो अभी अच्छा ही लग रहा है, सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और अच्छा प्यार मिल रहा है, और आगे भी उम्मीद है कि अच्छा ही प्यार मिलता रहे। और बस आगे हम तो दिल में घुस के किसी का देखे नहीं कि क्या किसके मन में क्या चल रहा है, बस हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग सब परिवार एक जैसा साथ में रहे, हंसे बोले, बस खुशी परिवार की तरह रहना चाहते हैं। अभी आप लोग शादी भी किए हैं और यहाँ पे आए हैं, भैया आपके घर के लोग आपको कुछ नहीं बोले कि इतना कम हम, उनको एक सपना होगा कि मेरी भी अच्छा पतो आएगी, अपने हमको सेवा करेगी, जिनसे तो आपके मम्मी पापा का सेवा भी नहीं हो पाएगा? नहीं पूछ तो बोल नहीं रहे थे, अभी तो मिलजुल के हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, कोई बात नहीं। अभी हाँ सब। अभी अब आगे का जो जिंदगी है वो कैसे फिर चलने वाला है? आगे का जिंदगी भी अभी जैसा चल रहा है वैसे आगे भी चलेगा, करेंगे आगे चल के बच्चा, और अभी तो अभी हम लोग अपना स्थिति नहीं सही चला पा रहे, तो बच्चे को कहाँ से दुनिया में ला के नहीं कुछ कर सकते, चाहे हमारा खुद का बच्चा हो या किसी अडॉप्ट किए हुए बच्चे को हो, कोई भी बच्चा हो उसको हम आखिर परवरिश तो करेंगे ना उस बच्चे का, तो उसके लिए तो अभी हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, बस यही। अभी आपको जिंदगी में कुछ करना होना है तो फिर कैसे? हमें लाइफ में आगे कुछ बढ़ना है, एक मिसाल पेश करना है कि ऐसे होने के बावजूद भी हम कुछ कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि बोलता है करता नहीं है, बोलने में तो कुछ भी बोल लेता है लोग, करना जब पड़ता है तो हकीकत बात है करने घड़ी तो बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, और जब लोग आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है, वैसे हमारे साथ भी हो रही है। अगर हम अपने शरीर को देखेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, और पढ़ने के लिए हमको शरीर नहीं देखना पड़ेगा अपना, तो बस और क्या, बस इसी सब पे हम फोकस किए कि पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको अभी पढ़ाई करना है? जी हम अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए 2021 में, और मतलब अभी PCS की तैयारी कर रहे हैं, और हमने 2 बार एग्ज़ाम दिए, एक बार एक नंबर, 2 नंबर 3 नंबर से रह गए, और एक बार 1 नंबर से रह गए, इस बार प्रिपरेशन चालू है मेरा तैयारी, अब देखिए क्या होता है। पढ़ लिख कर आपको क्या बनना है? हमारा सपना है SDM बनने का। SDM बनने का सपना जी? क्या इसमें आपका पति का राजी है आपको SDM बनाने? जी हमारे हस्बैंड पूरा खुश है कि तुम जो करना चाहती हो अपने जीवन में तुम्हारा सारा सपना हम पूरा करेंगे। आपकी पत्नी का सपना SDM बनना है जी, इस पर क्या कहिएगा, आप पूरा सपोर्ट कीजिएगा? हाँ मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ, अभी कर ही रहा हूँ और आगे भी करता रहूँ। आज के युग में देखा जाए तो एक आदमी को सरकारी नौकरी भी नहीं लग रहा है अच्छा से, तो आप इनको SDM कैसे बना पाएंगे, ये सोचने वाली बात है जी। ये तो एग्ज़ाम भी दे चुकी है SDM का, पहली बार दी थी तो 3 नंबर से मानो पीछे छट गई थी, इस दूसरा बार दी तो 1 नंबर से छट गई थी, तो पटना बुलाया भी था तो पटना हम जा नहीं पाए किसी काम के वजह से, नहीं तो इनका इसी बार हो गया होता जी। अगर कहा जाए तो SDM इनका बनने का सपना है, पर आप SDM के लिए कुछ पैसे की तो जरूरत पड़ेगी,
पैसा तो हर जरूरत है, पैसा के बिना कुछ नहीं होने वाला है। फिर आप इनको देखेंगे कि फिर पैसा कमाने जाएंगे तो फिर कैसे रहेंगे? बस हम लोग एक चीज सोचे कि हमारा अगर चैनल चलता है, सबल क्वीन चैनल का नाम है हमारे, तो उसको अगर सपोर्ट कर दिया जाएगा तो हो सकता है कि हम लोग थोड़ा बहुत अपना खर्च वगैरह निकाल लेंगे। पढ़ाई के लगभग अकॉर्डिंग खर्च अगर निकल जाता है रहने लायक सही से, तो पहले पढ़ाई को ही फोकस करके निकालेंगे। पढ़ाई करके जी। तो आपके मम्मी पापा हैं जो जी, हाँ वो घर पे लेके आए हैं, उनका क्या रहा है, क्या कुछ बोल रहे हैं? नहीं वो लोग तो कुछ नहीं बोलते, अच्छे से है अभी, सब बातचीत सब करते हैं। अभी आप क्या करते हैं? अभी तो हमारे आए हुए यहाँ दो दिन हुआ, जी। और वहाँ जहाँ रहते थे वहाँ दुकान किए थे, गैरेज, वही गैरेज चलाते थे हम जी। और आप गाना ना भी गाती हैं? जी गाना ना भी गाती हैं। एक मोटिवेशनल सॉन्ग सुनाना चाहते हैं। जी जी सुनाइए। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, बीते हुए कल के खातिरे तू आने वाला कल मत खोना, बीते हुए कल के खातिरे तू आने वाला कल मत खोना, जाने कौन कहा से आकर राहे तेरी फिर से सवारे। ना मेरे पापा बचपन में सुनाया करते थे, जब हम काफ़ी ज़्यादा दर्द से तड़पते थे, बहुत ज़्यादा दर्द होता था, तो पापा से बार बार सवाल करते थे कि पापा अगर आप मेरे साथ नहीं रहिएगा और आप लोग को आगे चल के भविष्य में आप लोग नहीं रहिएगा हमारे साथ, आप लोग मेरे नज़र से उझल हो जाइएगा तो फिर हम कैसे रहेंगे, अकेला कैसे अपनी ज़िंदगी काटेंगे। और हम लोग छः बहन है, एक भाई एक भी नहीं है, तो बहन है तो सब अपने अपने ससुराल चली जाएगी तो हम किसके साथ रहेंगे। तो मेरे पापा बोलते थे हमेशा तुम चिंता नहीं करो, यही गाना गा के सुनाते थे, एक अंधेरा लाख सितारे। एक बहन है आपकी? एक बहन है? नहीं हम छः बहन है। छः बहन है? छः बहन, दो फीट का इतना ही हाइट है कि उनका भी हाइट अच्छा है, नॉर्मल है। आपका हाइट दो फीट हो गया? जी सिर्फ मेरा ही ऐसा। अभी बाहर थे, कहाँ थे आप इसके बाद? सऊदी अरब थे। तो सऊदी अरब से दो दिन हुआ यहाँ पे आए हुए कि? आए हुए मेरा दो साल हो गया। दो साल हो गया? दो साल आप कहाँ थे, दो साल आए कहाँ पे? दो साल हम इनसे शादी करके सिलीगुड़ी में रहते थे जी। आपका घर कहाँ है? सिलीगुड़ी आपका घर है? नहीं मेरा घर भागलपुर हुआ, मेरे पापा वहाँ पे ढाबा बिहार, हाँ भागलपुर बिहार, और मेरे पापा भी वेस्ट बंगाल में, मतलब उनका ढाबा है तो अभी ढाबा चला रहे हैं वो, इसलिए हम लोग पूरी फैमिली वहाँ पे रहते थे। अब फिर से आपको यहीं रहना है कि फिर से कहीं जाना है? नहीं कुछ एडजस्ट हो जाएगा तो हम लोग ज़्यादा कोशिश करेंगे कि यहाँ ही रहे, क्योंकि यहाँ से अगर हमारी पढ़ाई, वहाँ मेरा पढ़ाई लॉस हो रहा है बंगाल में, हाँ बंगाल में मेरा पढ़ाई लॉस हो रहा है, हम नहीं चाहते कि मेरा पढ़ाई लॉस हो। और हमको अपने लाइफ में अगर कुछ करना, लोगों का मुंह बंद करने के लिए हमको तो कुछ करना पड़ेगा जी। आपको क्या लगता है कि जो आप लोग का प्यार हो चलने वाला है? बिल्कुल चलेगा, चाहे कोई चलाए या ना चलाए, हम लोग तो चलाएंगे अपना प्यार चलाएंगे। इनके मम्मी पापा इसे नहीं करते हैं, अभी तो दो दिन हुए हुए, अगर फिर से अगर आगे चल के कोई दिक्कत होता है रखने से इनकार करते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? जब इनकार करेंगे तो ऐसे भी, मतलब हम तो अपने घर ही थे तो फिर ये सोचेंगे कि इनको क्या करना है हमारे लिए, क्योंकि हम तो इनके दम पे आए ना यहाँ पे। क्या करेंगे आप कि शादी तो अब वो करे या ना करे, शादी तो हो गया है, शादी कोई खिलवाड़ नहीं होता, वो नहीं करेंगे तो हम इनको लेकर अलग रूम लेकर रहेंगे। कहीं आप अपने माँ बाप का सपने का चूर चूर किए होंगे? नहीं चूर कहेंगे, हम अलग रहेंगे, जो हम कमाएंगे इनको भी देंगे, इनको भी खर्च पानी अपना जो सामान, परिवार जब आ जाता है तो दोनों तरफ देखना पड़ता है, ये नहीं कि अब आ गया तो हम। एक बात बताइए, आपने ये सवाल किए कि अपने माँ बाप के सपने को चूर किए, ठीक है? कोई भी एक माँ बाप का, सुनिए सुनिए, कोई भी एक माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बेटे का शादी होगा, मेरी पत्तो आएगी और घर के लिए कुछ हेल्प करेगी। तो जब शादी हो जाती है तो जब शादी होती है वो तो चेंज हो नहीं सकता, जैसे एक अचानक से घटना कोई होता है तो आप उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, नहीं उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। अगर मान के चलिए अभी अचानक से किसी का हार्ट अटैक हो जाए, आप उसको बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते, लेकिन आप एक्सेप्ट करेंगे अब वो दुनिया से चला गया,
ठीक है, वो दुनिया से चला गया। अब आपको इस चीज़ को एहसास करना होगा, चाहे आप मानिए चाहे ना मानिए, वो चला गया। तो इसी मुद्दे पे हम ये बात करना चाहते हैं कि देखिए, अगर अपने माँ बाप मेरे को छोड़ के इस हालत में अपने माँ बाप के ये हो जाते तो क्या ये मेरा सपना चूर नहीं होगा? यहाँ पे तो अगर ये आएंगे तो इनके माँ है, भाई है, बहन है, सब है, मेरा तो यहाँ पे कोई नहीं है। आप पहले आपको सोचना चाहिए ना कि लड़के ऐसे हैं, फिर हम शादी कर रहे हैं, फिर आगे चल के कुछ समस्या हो सकती है, सोचना सारा मतलब डिस्कस हो गया था तभी शादी हुई है, और कोई जोर जबरदस्ती करके शादी भी नहीं हुई है। और जहाँ तक बस सपने का जहाँ तक बढ़े कि आप अपने माँ बाप के सपने को चूर किए, ठीक है, चूर अब तो जो हो गया वो घटना था, एक घटना घट गया, अब वो एक्सेप्ट करे या ना करे ये इनकी जिम्मेवारी है कि वो दोनों को मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम भी इनके फैमिली हैं, हम भी इसके परिवार हो चुके हैं, हम भी अब मेरा भी ये कुछ लगते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि मेरे कुछ नहीं लगते हैं। तो इनको तो बस ये सोचना होगा कि दोनों को हम खुश रखें बस, और हम तो यही चाहेंगे कि मेरा परिवार साथ में रहे तो ज़्यादा खुशी होगा। चैनल का नाम सबल क्वीन है, आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। भैया आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी आ रहे हैं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिलाइए। अब इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। यहाँ पर आप लोग के बीच एक अनोखी शादी दिखाएं, जहाँ 2 फीट की दुल्हन और 5 फीट के यहाँ पे दुल्हन, अभी इन लोग के बारे में क्या राय है अपना छोटा सा कमेंट जरूर दीजिए। मैं फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।